आप गुस्से ना हुआ करें, क्योंकि जो गुस्से होते हैं वो बंदे अच्छे नहीं होते। क्योंकि हमारे यहाँ एक बंदा गुस्से होके गया है वो बंदा अच्छा नहीं है। अभी तो चीनी मिक्स कर रही हूँ पानी में। अच्छा, पानी में जो है ये चीनी मिक्स की जा रही है, अल्लाह खैर करे। औरतें जो होती है वो काफी कुछ मिक्स कर रही है। गंदम का है जो इंडिया में गेहूं बोलते हैं, गेहूं का आटा। अच्छा, गेहूं इसे बोलते हैं? हाँ जी, गंदम को गेहूं बोलते हैं। हर किसी की अपनी जबान होती है। अच्छा। बस फर्क ये है, किसी की छोटी होती है, किसी की बहुत लंबी होती है। अभी चलते हैं सबा से मुलाकात करते हैं, उसका हाल हवाल पूछते हैं, क्योंकि सब बहन भाई परेशान है। शुक्र है आवाज आई है। हाँ, वो देखे सबा भाभी बैठी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, और क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाजिर हूँ मैं मॉर्निंग रूटीन में। जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दूध, और फिर जो है गूंदूंगी आटा। तो रहना है हमारे साथ, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। देखिए इस्लामुद्दीन अभी सो रहा है, और हैदर अली और बख्तावर जो है खेल रहे हैं। हैदर अली क्या खेल रहे हो, ये क्या है? हैदर अली। तो अभी नूर मोहम्मद भी अभी उठा है, तो देखो कैसे मूड बनाया हुआ है। ये देखे नूर मोहम्मद जा रहा है अपनी दादी अम्मी के पास, वहाँ से लेगा पापे और फिर पिएगा दूध। नूर मोहम्मद ने जो है पापे और बिस्किट ले लिए हैं। इधर दिखाना नूर मोहम्मद, ये देखे। तो चलें, वो देखे वो ढोलू भी आ रहा था। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ पानी लेने, ये देखें जग भी मैंने उठा लिया है। तो पानी भरते हैं और फिर बनाऊंगी दूध। दूध भी ले आई, और कपो गिलास भी मैंने धो के यहाँ पर रख दिए हैं। चीनी का डब्बा है और पानी, और नूर मोहम्मद बैठा है। तो अभी बनाती हूँ और फिर नूर मोहम्मद को जो है देती हूँ। तो अभी जो है मैं गूंदने लगी हूँ आटा, ये देखें आटा भी मैंने छान लिया है, पानी भी भर लिया है और नमक भी उठा लिया है। तो अभी आटा गूंदती हैं। तो आटा गूंद के बाद में जो है आपको दिखाऊंगी। जी अभी जो है मैंने आटा गूंद लिया है और यहाँ पर नाप के रख दिया है। तो अभी जो है मैं यहाँ से लगाती हूँ झाड़ू। ये देखें थोड़ा सा पानी मैंने लगाया हुआ है, तो बाकी का जो है पानी लगाती हूँ और फिर झाड़ू देती हूँ। जो कि कल मैंने बोला था कि मैंने 3 दिन हो गए कमरा साफ किया है फिर, और 3 दिन हो गए बर्तन जो मैंने साफ करके ऊपर रखे थे वही ख़राब हो गए हैं। तो ये देखें अभी 3-4 दिन ही सारे हुए हैं, तो सारे मिट्टी फिर हो गए। तो कैसे अब रोज़ रोज़ मैं साफ़ करूं इनको, बाकी का तो काम होता है ना, टाइम ही नहीं मिलता रोज़ रोज़ साफ करने का। तो इसीलिए जो है मैं हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो है सफाई करती हूँ बर्तनों की, और सब नीचे वाले भी। तो अभी लगाती हूँ झाड़ू पानी, तो फिर लगाऊंगी झाड़ू। जो है मैं करने लगी हूँ कपड़े इस्त्री, ये देखिए इस्त्री भी मैंने चला दिया है। तो अभी जल्दी जल्दी जो है कपड़े इस्त्री करके फिर आपको दिखाऊँ। अभी जो है एक सूट मैंने इस्त्री किया है, अब दूसरा करने लगी थी तो लाइट चली गई है। तो जब लाइट आएगी तो ये दूसरे सूट करूँगी। अभी एक सूट मैंने किया है वो वाला ब्लैक वाला। तो अभी जाती हूँ मैं बनाती हूँ रोटी जब तक लाइट आती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है।
उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हैदर अली की तरह। हैदर अली कैसे हो बच्चे, हैं खेल रहे हो? हैदर अली खेल रहे हो, देखे छोटे छोटे दांत भी निकाल लिए हैं इसने, नीचे वाली साइड से इसके दांत निकलना शुरू हो गए। ये देखे इसने शलवार भी पहनी है, क्योंकि इसकी दुनी नज़र आ रही है, आप ये ना समझे इसने सुथन नहीं पहनी। तो मेरी बातें जो होती हैं वो सिर्फ आपको इंजॉय कराने के लिए होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। और आप गुस्से ना हुआ करें, क्योंकि जो गुस्से होते हैं वो बंदे अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ एक बंदा गुस्से होके गया है। वो बंदा अच्छा नहीं है। देखे हैदर अली, ये ऐसे बंदे होते हैं जो अच्छे होते हैं। एक तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती, ऊपर से आप बोलते हैं कि असलम भाई वीडियो में। तो ये देखे मैडम साहबा सुबह सुबह जो है सत्तू बनाई। ये देखे आप क्या कर रही है? मैं सत्तू बना रही हूँ। अच्छा अभी तो चीनी मिक्स कर रही हूँ पानी में। अच्छा पानी में जो है ये चीनी मिक्स की जा रही है, अल्लाह खैर करे। औरतें जो होती है वो काफी कुछ मिक्स कर तो टेंशन फ्री हो जाए, चीनी कम डाले और शुगर फ्री हो जाए। साथ में बख्तावर भी बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह। बख्तावर क्या कर रही हो बच्ची? कुछ नहीं, बैठी हूं। क्या खाने का प्रोग्राम बना रहे हो? सत्तू। सत्तू खाओगी? हाँ जी। सही है। ओए हैदर आप खाओगे सत्तू? हैं सत्तू खाओगे? हैदर सत्तू खाओगे? सत्तू बोलता है हाँ जी। सत्तू खाओ? ओए सत्तू खमसे, सत्तू खाओ से कहना। बोलता है ये, बोलता है नहीं खाऊंगा, क्योंकि जब सत्तू खाते हैं ना तो गले में जो है ना ऐसे खारिश होना शुरू हो जाती। वो आटा होता है ना, तो फिर इसको जो है ना हैदर अली को अड़ जाएगा। मीठा चेक किया जा रहा है, अल्लाह बेहतर करे। मैंने तो हैदर को उठाया। बख्तावर हैदर को ना आप यहीं पर बैठा दो। ये लो हैदर को पकड़ो, हैदर बिस्मिल्लाह। ये जी मीठा चेक करते हैं, मीठा क्या चेक होगा, पानी तो है नहीं, थोड़ी सी एक घुट्टी है। एक घुट्टी तो तालू तक नहीं जाएगी। मतलब जो ये संग होता है ये हर किसी के संग है, और ये हर किसी का संग है। तेरी ठंडा पानी नहीं डाला? नहीं, अभी चीनी मिक्स किया है गरम पानी में, ठंडा पानी अब डालेंगे। ये तो बहुत ज्यादा है, मीठा बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम जो है इसमें ठंडे पानी की बोतल डालेंगे ना, वो देखे हैदर अली को बख्तावर ने रुला दिया। हैदर अली सिर्फ मेरे पास खुश होता है। ये देखो हैदर मेरे पास जब आता है बहुत खुश हो जाता है, बोलता है इसकी आवाज जो है ना कानों में असर नहीं करती आजकल। बाकी जो बोलते हैं ना उनकी आवाज कानों में चली जाती है, अजीब सी ब्रीक आवाज होती है ना, इसलिए हैदर अब मेरी बातें सुन भी नहीं रहा। इसका मतलब है कि हैदर अली इसीलिए खुश होता है। अब देखें जग भर लिया है मैडम साहबान, जग भर लिया है। हाँ जी, जग भर लिया है। अब इसमें डालेंगे सत्तू का आटा। ये देखे ये वैसे होता गंदम का है। हाँ जी। जो इंडिया में गेहूं बोलते हैं, गेहूं गेहूं का आटा। अच्छा गेहूं इसे बोलते हैं? हाँ जी, गंदम को गेहूं बोलते हैं। हर किसी की अपनी जबान होती है। अच्छा। बस फर्क ये है किसी की छोटी होती है, किसी की बहुत लंबी होती है। और किसी की मीठी होती है और किसी की कड़वी होती है।
वैसे कड़वी बातें जो सच होती है वही होती है। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बताता हूँ, क्योंकि लोग लोग मेरी बातों का ना कुतंगड़ बना लेते हैं और मजाक समझ लेते हैं, हालांकि बात हकीकत होती है। वो देखे गैलरी गलहरी कपड़े खा रही है नीम के ऊपर, उसको भगाओ साहबा। वो देखो कपड़े लेके जा रही है, ओ गई, ओ बतावा उठो, कपड़ा भी ले गई। हाँ वो जा रही, खींचो खींचो ऊपर चढ़ो, आप उठ के जरा खींच लें, बच्चों के कपड़े गए होए। वो देखे लेके जा रही है, हाँ शुक्र है, वो उसने तो काला सूट उठाया था। हाँ वो नीचे गिर गया है। आप ऐसा करें, ये कपड़े वहाँ पर रख दें, ये ना हो के हमारे बच्चों के जो ये टी शर्ट होते हैं नीचे वाले वो गलहरी उठा के ले जा रही थी, उसके बच्चों के मेरे ख्याल कपड़े नहीं थे। जरूरत थी उन्हें। ये देखे सत्तू हो गया तैयार, अब हम खाएंगे। नूर मोहम्मद और ओ इस्लामुद्दीन कहाँ है? वो कंप्यूटर पे बैठे हुए थे। उनको बुला लो, बख्तावर बोलो। सारा डाल दूं? हाँ सारा डालो, बाकी और क्या करेंगे। जब थोड़ा बच जाएगा किसी को भी फिर नहीं आएगा पूरा। माशाल्लाह ये देखे नूर मोहम्मद भी आ गया। वही नूर मोहम्मद सत्तू तैयार कर रहे हैं, खाओगे? हाँ, हाँ जी बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं, हाँ जी। और देखे इस्लामुद्दीन भी आ गया है माशाल्लाह। इस्लामुद्दीन सत्तू खाओगे? ये वाला जो सत्तू आपकी मम्मा बना रही है ये सत्तू होता है? खट्टा भी होता है? नहीं मीठा होता है, चीनी वाला। ये आलू बुखारे का पानी थोड़ा है या इमली थोड़ी हमने पा रखी है, खट्टा बोलता है होता है। वाह इस्लामुद्दीन, औरतों वाली सोच है तेरी। ओए क्यों उंगली खा रहे हो? मैं आपको सत्तू खिलाता हूँ, आप अंगुलियाँ ना खाओ। बस खाती ही रहता है। खाता ही रहता है अंगुलियाँ। चलें जी बहन भाई, और सत्तू खा के फिर मिलेंगे, फिर डकार भी मारेंगे ऐसे बा। बच्चे भी हंस पड़े ये देखे। बच्चे मेरी बातें सुनकर बहुत हंसते हैं, बोलते हैं ये बहुत अच्छी बातें होती हैं। चाहे भले होती किसी काम। चला ये देखे एक गिलास भर लिया है सत्तू का। और इस्लामुद्दीन ये आप सबा चाची को दे आओ, ख्याल करके जाना और गिराना नहीं है। ये चाची सबा को दे के आओ, फिर हम बैठ के ये आप हम खुद भी पियेंगे, सही है? और बेबो को भी ले आना है, बेबो को बोलना मेरा पापा बोलता है आजा सत्तू पीते हैं, हैं? वो देखे इस्लामुद्दीन जा रहा है चाची सब्बा को देने, तो हम भी इंशाल्लाह उनसे मिलने जाएंगे। इंशाल्लाह अभी खाना पीना कर लें जी, और मुझे भी दे दें अभी दे रही। और जैनब देखें वो बर्तन धो रही है। जैनब क्या कर रही हो? बर्तन धो रही हो माशाल्लाह। ये जी मेरा सत्तू तैयार हो रहा है, गिलास में डाला जा रहा है। मेरा फोन भी आ गया है, एक मिनट सब्र करें जी। ये हैदर अली आप उठा लें, हैदर अली को उठाए, मैं फोन सुन लूं फिर काम करते हैं। ये देखे मैं पी रहा हूँ, थोड़ा सा पी लिया है सत्तू, और इस्लामुद्दीन आ गया। हाँ दे आए हो? हाँ। क्या बोल रहे थे? अच्छा जी, बेबो को भी बुला लाया है, वो अभी जो है चाय पापे खा रहा है और बोलता है वो चाय पापे खा के आ जाता हूँ। तो आप बच्चों को भी तकसीम करें जी, आप खुद भी पिए और बेबो के लिए भी रख देना। ये देखें बहन भाई बोलेंगे यार आपने सही से सत्तू तो दिखाया नहीं। ये देखे होता है सत्तू, ये बोलते हैं जी हमारे विलेज वाले बोलते हैं ये ठंडा होता है, और सुबह सुबह जो है ये पीते हैं सब लोग। एक गिलास मैंने पी लिया है, बाकी थोड़ा सा मुझे लिया है।
अब थोड़ा सा इतनी आपका हिस्सा बचा था तो मैंने दे दिया। चलो जी, मेहरबानी है आपके। बहन भाइयों को सत्तू दिखा रहे हैं और पी भी रहे हैं माशाल्लाह। और देख बख्तावर झूला भी झुला रही है हैदर अली को और सत्तू भी पी रहे। अल्लाह पाक ऐसे ही आपको सलामत रखे। आमीन। और सत्तू जो है ये मुझे लगता है काम ही था, नहीं तो ये हफ्ता पूरा पीते ना गर्मी निकल जाती। हाँ जी, ये गर्मियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये देखें, वो देखे ठंडी बोतल भी साथ रखी, उसमें से पानी डाला था ना। चलो हंसी मजाक तो बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना खा लिया है, अभी चलते हैं सबा से मुलाकात करते हैं, उसका हाल हवाल पूछते हैं, क्योंकि सब बहन भाई परेशान हैं। बोलते हैं कि आप जो है सबा से हमारी बात करवाएं। तो चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है, आपके सामने ही चलते हैं और देखेंगे क्या सूरत हाल है ना मैडम साहब। हाँ जी, तो सबा भाभी को जो है परेशान बिल्कुल नहीं होना। हाँ जी, हम सबा भाभी के साथ इंशाल्लाह जी। ये देखे जी, हम घर पहुंच गए। ये देखे उनका जो है नाम भी लिखा हुआ है, हाउस लॉज हाउस है। अभी जा रहे हैं, पहले नोक करना दरवाजा। शुक्र है आवाज आई है। हाँ जी। वो देखे सब्बा भाभी बैठी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तबीयत सेहत कैसी? मेरे को सो गया सही है माशाल्लाह। तो बहन भाई बोलते थे आप जो है हमारी सब्बा से बात करवाएं, क्योंकि वो बहुत परेशान है। आपने परेशान नहीं होना ऐसे काम से। तो बहन भाई उसे दुआ सलाम आप काट लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, मैं करती हूं, आप सब लोग ठीक होंगे? जहां भी रहें खुश रहें आप। आ गए तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूं, लोग भी ठीक हैं। हाँ जी, तो अभी मैं जो है जा रहा हूँ शहर अजहर हुसैन के पास चलते हैं, फिर वहाँ पता करेंगे अभी अहमद भाई कहाँ गए। इंशाल्लाह आपने टेंशन नहीं लेनी, जो चीज़ की ज़रूरत हो हमें बता देना। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रोना नहीं है और बेबो का भी ख्याल रखना। ओके हो गया ना? तो प्यारे बहन भाइयों, आपकी मुलाकात सब्बा से करा दी है, तो इनको बोल भी दिया है कि आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक खैर करेगा और उसको समझाएंगे अहमद भाई को इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल भी परेशान था भी नहीं, हाँ जी। तो ठीक है प्यारे बहन भाइयों, अब हमारा व्लॉग भी हो गया ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।